नमस्कार दोस्तों, मित्रों, आज 3 तारीख है, कल 4 और परसों 5 तारीख को सभी जानते हैं कि चंद्र ग्रहण लगने वाला है। इस संबंध में अपन चर्चा करते हैं। ग्रहण पूर्व काल में त्रेता द्वापर इन युगों में ग्रहण के लिए मनुष्य ऋषि मुनि सब बहुत प्रतीक्षा करते थे, लेकिन कई कई हजारों साल में ग्रहण पड़ते थे। क्यों? क्योंकि ग्रहण काल में जप किया हुआ मंत्र, पूजा पाठ सब मंगल कार्यों में सिद्धि प्रदान करने वाला ग्रहण रहता था। भगवान की कृपा से इस कलयुग को कुछ लोग बुरा समझते हैं, लेकिन यह कलयुग उन सभी युगों से श्रेष्ठ माना गया है। इसमें मात्र भगवान के भजन से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। तो इस संबंध में इस ग्रहण काल का अपन सदुपयोग करें, इसका उपयोग करें, इसमें अपन कुछ लाभ ले सकें अपने लिए, अपनों के लिए। वैसे भी समय कठिन चल रहा है, तो क्यों ना हम सब मिलकर इस समय का उपयोग करें। 5 तारीख को, 5 जून 2020 को रात्रि 11:16 पर ग्रहण प्रारंभ होगा। जो तो मित्रों, चंद्र ग्रहण 5 तारीख को पड़ रहा है, जो रात्रि 11:16 से प्रारंभ होगा और 12 बजे के बाद 2:34 पर उसका समापन होगा। लेकिन ग्रहण के पहले, प्रारंभ होने के पहले 9 घंटे 10 घंटे पहले सूतक लग जाता है। वैसे तो यह ग्रहण उपछाया ग्रहण कहलाता है, कहलाएगा, इसका दोष नहीं लगता, लेकिन फिर भी शंकाओं के समाधान के लिए हम आपको बता देते हैं कि सूतक काल जो है 9 घंटे 10 घंटे पहले प्रारंभ होगा, उस हिसाब से, उस अनुसार 5 तारीख को दोपहर 2:16 से यह सूतक का काल शुरू होगा, जिसका समापन रात्रि 12 बजे के बाद 3:34 पर होगा। तो दोस्तों, यह चंद्र ग्रहण में अपने घरों में अपने भगवान को स्पर्श नहीं करना है, उनको ढक कर रखना है। घर में खाने पीने की जो भी वस्तुएं हैं उनमें तुलसी पत्र डाल दें। सुबह उठकर दूसरे दिन स्नान ध्यान करके अपन दान पुण्य आदि करके उस चंद्र ग्रहण का लाभ प्राप्त करें। तो इस हिसाब से मैं आपको बताता हूं कि इस चंद्र ग्रहण के काल में अपने को कुछ हासिल हो जाए, कुछ प्रभु माता जी की कृपा हो जाए, उस हिसाब में मैं महाकाल उज्जैन वाले बाबा का जिक्र करता हूं। शिव कवच, ये आप लोग देख रहे हैं शिव कवच। इस शिव कवच का जो ग्रहण काल में पाठ करेगा विधि विधान के अनुसार, उसको वह सब चीजें प्राप्त होने लगेंगी जो वह चाहता है। अमंगलों का नाश होता है, दुर्घटनाओं से रक्षा होती है, घर परिवार में सुख शांति होती है, अर्थ का उपार्जन करने के साधन बनते हैं, कर्ज से मुक्ति मिलती है। शर्त यह है कि आप उस ग्रहण काल में सिर्फ जाप करें और पाठ करें शिव कवच का। उसमें सब कुछ दिया है, आप शिव कवच की पुस्तक प्राप्त करें कहीं से और इसका लाभ लें। यह मेरा आपसे निवेदन है और दावा भी करता हूं कि शिव कवच आपने यदि चंद्र ग्रहण के दिन कर लिया, वह आपको सिद्धि प्रदान करने वाला होगा। यह निश्चित और सत्य बात है।
बाबा उज्जैन वाले महाकाल के हिसाब से आपको मैं यह बता रहा हूं। दूसरी बात, राम रक्षा स्तोत्र आप सब लोगों ने सुना होगा, यह चंद्र ग्रहण काल में आप विधिवत इसका पाठ करें, एक निश्चित संख्या में 11-21 या फिर जितनी अधिक से अधिक आवृत्तियां हो उस ग्रहण काल में आप राम रक्षा का पाठ करें, यह आपको सिद्ध होगा और सिद्धि प्रदान करने वाला होगा। इससे भी आपको लाभ होगा, आपके परिवार में सभी सदस्यों से यह पाठ करवावें, भगवान श्री रामचंद्र जी की जो भी शक्ति है उनके द्वारा आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपको इसका लाभ मिलेगा। फिर से मैं उस बात पर आता हूं, शिव कवच। शिव कवच एक बहुत ही गोपनीय कवच है। कवच का मतलब होता है अपने चारों ओर सुरक्षा प्रदान करने वाला। तो शिव कवच, अमोघ शिव कवच, जिसका नाम ही है अमोघ शिव कवच, इसमें क्या है, पूर्व काल में ऋषभ देव एक ऋषि हुए, उन्होंने एक संकटग्रस्त राजा को यह उपाय बताया, उसने यह अमोघ शिव कवच का प्रयोग उपयोग किया, उसे संकट से तत्काल में मुक्ति मिल गई। यह स्कंद पुराण में यह सत्य घटना बनाकर बनाई नहीं जा रही, स्कंद पुराण में से निकली हुई यह शिव अमोघ शिव कवच कथा है। आप लोग चाहें तो स्कंद पुराण देख लेंगे, आपको यह सब जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आज के लिए दोस्तों इतना ही है। नमस्कार। जय माता महाकाली।